नमस्कार, मैं हूँ अनिल सोले। खंडवा लोकसभा के निर्दलीय उम्मीदवार विजय सालरे जी जो है अपने गाड़ी के प्रचार से और भारत का संविधान हाथ में किताब लेकर पूरे खंडवा लोकसभा में प्रचार कर रहे हैं। सर, ये बताइए कि आप उम्मीदवारों के भारत का संविधान और आप पहले उम्मीदवारों के भारत का संविधान किताब लेकर साथ में घूम रहे हो, क्या कहना चाहूँगा? मैं इस भारतवर्ष के सभी बहुजन समाज के लोगों से ये कहना चाहूँगा, निवेदन और गुजारिश के साथ में, कि ये कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं है, उपचुनाव है, परंतु ये अवसर ऐसा है जिसमें आप आपका विरोध जता सकते हो, जो सत्तासीन लोग हैं उन्हें आप ये एहसास करा सकते हो कि आप लोगों ने संविधान का मखोल उड़ाया है और आप संविधान का मखोल उड़ाते आ रहे हैं, जो हमें हरगिज मंजूर नहीं है। ये फैसला पब्लिक को लेना है और यही बात मैं अपने प्रचार माध्यम में करते आ रहा हूँ और सांकेतिक रूप में संविधान साथ में रखते हुए। कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक से? रिस्पॉन्स की बात तो भाई साहब ऐसी है कि हर जगह कहीं ना कहीं लोगों में चिंगारी लगी हुई है। सब लोगों को एहसास ये है कि हमने हमारे हाथ से अंगारा रख लिया है, अब इस अंगारे को उनको ना फेंकते बन रहा है ना रखते बन रहा है, परंतु दबी जुबान में कहीं ना कहीं लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और मेरी जो बात है वो लोगों को पसंद आ रही है। बहुत सी जगह ऐसा हुआ है कि मेरे ना चाहते हुए भी लोगों ने मुझे चाय और नाश्ता पानी कराया है, तो इससे मुझे एहसास हो रहा है कि कम से कम मेरी बात सुनी जा रही है, सही माने जा रही है, भले से वो मेरे वोट में परिवर्तन ना हो। किस मुद्दों को लेके आप वोट मांग रहे हो? जी, मैं मेरा प्रचार आपको दिखाना चाहूँगा। जैसी दूसरी पार्टियों का मैनोफेस्टो रहता है वैसा मेरा मैनोफेस्टो कुछ नहीं है। मेरा मैनोफेस्टो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान ही है और मैं अपने इस पर्चे के माध्यम से, जिसमें मैं प्रत्याशी हूँ, मेरी मजबूरी है, मेरा चुनाव चिन्ह मेरा फोटो देना, बाकी मैंने अपील कहीं से कहीं तक नहीं करी है। और दूसरी साइड में मेरे पर्चे के मैंने 376 के लगभग अनुच्छेद है संविधान में, वो सभी तो मैं दे नहीं सकता, पर जनोपयोगी और जो जनहित के अनुच्छेद है 19 ऐसे मैंने अपने इस पर्चे में छापे हैं और लोगों को मैंने वितरित किए हैं, ताकि लोग इसे पढ़कर ये समझे कि हम आज तक अंग्रेजों के जाने के बाद से हम जिन्हें वोट देते आए हैं, क्या उन्होंने संविधान नहीं बल्कि इन 19 अनुच्छेदों के मुताबिक काम किया है या नहीं किया है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में निर्दलीय उम्मीदवार विजय सालवे जी, जो अपने चुनाव प्रचार को लेकर जनता के बीच में भारत के संविधान की किताब लेकर और उनके जो अनुच्छेद के आधार पर ये जनता के बीच में मतदाताओं से वोट मांग रहे हैं। क्योंकि इस देश में अगर देखा जाए, कांग्रेस की सरकार भी रही, बीजेपी भी सरकार रही, इनका ये मानना है कि देश में, भारत के अंदर अब संविधान की सरकार होना चाहिए, इसलिए संविधान के आधार पर अगर सरकारें अगर चल जाती तो आज भारत का संविधान की किताब लेकर इनको जनता के बीच में, मतदाताओं के बीच में नहीं आना पड़ता। मैं अनिल सोले, कैमरामैन सुरेश वानखेड़े, साथ में देखते रहिए जनमत।